आपसी प्रेम सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक त्योहार ईद बागेश्वर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में नमाज अदा की तथा एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें बधाइयां दी। बागेश्वर के मुफ्ती बिलाल अहमद ने देश में अमन शांति तथा भाईचारे की दुआ करते हुए मुस्लिम भाइयों से नमाज अदा कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया में आपसी भाईचारे प्रेम और सौहार्द की सख्त जरूरत है। दुनिया में मानवता और इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है। सबके घरों में खुशहाली आए तथा दुनिया में अमन चैन कायम हो, इसी दुआ के साथ आज की ईद मनाई गई है। बाद में लोगों ने घरों में जाकर एक दूसरे को बधाई दी तथा दावतें भी दी गई। अन्य समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे शहर बागेश्वर के लिए दुआ की हमने कि शहर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम रहे। आज हमने जो है खास करके अपने मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत और कौम के लिए करी है कि अल्लाह पूरे दुनिया के अंदर जो है अमन अमान को कायम फरमा दे और हमारे अंदर जो है भाईचारा सा उसी तरीके से हम तब तक दुनिया के अंदर रहे ता मौत तक जो है इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ में एक दूसरे के साथ में रहने की और एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। और ये जितने भी त्यौहार हैं हमें इस बात का सबक देते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के साथ में जो रहे मिल मोहब्बत बाँट के रहें और एक दूसरे के साथ में खुशी में शरीक हुए। और ये ईद का जो पैगाम है इसीलिए है कि हम एक दूसरे की खुशी में शरीक हुए। अल्लाह के लिए ये कुर्बानी है और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करनी है और अल्लाह ही के लिए जीना है, अल्लाह ही के लिए मरना है और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करनी है। इन्हीं तमाम बातों के साथ में मैं आप सबको और पूरे शहर और पूरे मुल्क वालों को दिल के साथ में जो है मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने दुआ यही की है कि हमारे पूरे मुल्क में और तमाम तर पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, सुकून रहे। और ख़ास तौर से दुआ ये की गई है, इस वक्त ज़रूरत ये है कि तमाम तर इंसान जितने दुनिया में बसते हैं वो तमाम तर अपनी इंसानियत को पहचाने और प्यार मोहब्बत से जैसे हमारे आबा व अजदाद अपनी ज़िंदगी गुजारते थे उस नहज पर बिलखसूस हमारे हिंदुस्तान के तमाम तर भाई ज़िंदगी गुजारें। और इसके मुतालिक हमारे नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान जो हमने इसके बारे में पूरी कौम को भी बताया, खैरुन्नास मन ला यन्फउन्नास, कि इंसान वो खैर का है। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान है कि जो तमाम तर इंसानों के लिए खैर हो। तो गोया ये इस्लाम का और मुसलमान का एक तरीक़ है कि पूरी इंसानियत को हमें खैर पहुंचानी है, भलाई पहुंचानी है, हमारे से किसी को परेशानी और तकलीफ़ ना हो। और यही हमारी दुआ है और ये इसी को लेकर तमाम लोग यहाँ से गए हैं। और हमेशा माशाल्लाह बागेश्वर में भी और पूरे हिंदुस्तान में इस नहज पर हमारे ये बकरईद का त्यौहार होता है, तमाम तर लोगों की भावनाओं का ख्याल किया जाता है। बस ये अपील है तमाम तर हिंदुस्तान में बसने वालों से कि तमाम तर लोग हमारे इस त्यौहार में मुआविन बनें और एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनें। मैं तो करीब 20-22 साल से फिरोज़ भाई के यहाँ ईद में आता हूँ और फिरोज़ भाई मेरे ख्याल से इस शहर में सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और ईद एक मिलन वाला त्यौहार है इनका और हम सभी लोग यहाँ पर आते हैं और फिरोज़ भाई के यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं फिरोज़ भाई और उनके परिवार को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।